व्हाट्सअप गाइस, आज हमारा नाउन का दूसरा पार्ट है। कल ऑलरेडी हमने रूल फाइव तक कवर कर लिया है, थोड़ा सा इसको रिकैप कर लेते हैं। रूल फाइव में हमने देखा था ऐसे नाउन्स के एग्जांपल्स देखे थे जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों तरीके से यूज हो सकते हैं। एग्जाम्पल हमने देखा था, देखिए आवर टीम इज़ द बेस्ट, आवर टीम आर ट्राइंग, तो देखिए यहाँ पर टीम के साथ इज लगा, यहाँ पर टीम के साथ आर लगा हुआ है, ठीक है। तो हम लोग इसके एग्जाम्पल्स देखिए, डियर हो गया, शीप हो गया, सीरीज हो गया, स्पीसीज हो गया, फिश हो गया, क्रू हो गया, टीम हो गया, ज्यूरी हो गया, एयरक्राफ्ट हो गया, काउंसिल हो गया। ऐसे ही ये कुछ वर्ड्स हैं, एग्जाम्पल्स हैं जिसको हम लोग बोथ एज अ प्लूरल बोथ एज अ सिंगुलर हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और रूल फोर में हमने ऑलरेडी देखा था कि अनकाउंटेबल नाउन के हमने एग्जाम्पल देखे थे जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ होता है, इसको प्लूरल नहीं बना सकते। जैसे ये देखिए, सीनरी को सीनरीज नहीं बोल सकते, पोएट्री को पोएट्रीज नहीं बोल सकते, फर्नीचर के आगे एस नहीं लगा सकते, एडवाइसेस नहीं बोल सकते, इन्फॉर्मेशंस नहीं बोल सकते, ठीक है। अगर कहीं भी आ जाता है, एस लग जाता है, जैसे लगजेज हो गया, इन्फॉर्मेशंस हो गया, बिजनेसेस हो गया, नॉलेजेस हो गया, तो ये गलत होगा, ठीक है, वो एरर होगा, ठीक है। तो मैंने ये बताया था। और ये वाला क्वेश्चन आपका आया था इक्विपमेंट वाला, सीजीएल में आया है, ठीक है। इक्विपमेंट्स में एस लगा दिया था जो कि एरर है, ठीक है। इक्विपमेंट में कभी भी एस नहीं लगता है, ठीक है। कभी भी आपको सीनरीज, इन्फॉर्मेशंस, फर्नीचर्स, हेयर्स मिले तो वो एरर है, ठीक है, वो मिस्टेक है आपकी, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा दिमाग में, ठीक है। तो हम लोग ने रूल फाइव तक देख लिया था, अब कंटिन्यू कर रहे हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। अब रूल सिक्स हम लोग देखते हैं, ये केस है हाइफनेटेड नाउन का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हाइफनेटेड नाउन क्या होते हैं। तो देखिए, जैसे कभी भी कोई नंबर आ गया, जैसे आ गया 300 रुपीज़ नोट्स, ठीक है, जैसे आ गया 300 रुपीज़ नोट्स, तो बहुत लोग गलती करते हैं, रुपीज़ नोट्स लिख देते हैं, ठीक है। हाइफनेटेड नाउन क्या होते हैं, जब भी किसी नंबर के बाद नाउन आ जाता है, जैसे आ गया 5-star होटल, ठीक है, 5-star चॉकलेट आपने खाई होगी, 5-star होटल आपने सुना होगा, 4-star होटल आपने सुना होगा, तो कभी भी नाउन के बाद ये कभी भी नाउन कभी प्लूरल नहीं हो सकता। हाइफनेटेड नाउन कभी भी प्लूरल नहीं हो सकता, ये आपको ध्यान में रखना है। कैसे, जैसे मान लीजिए अगर किसी ने बोल दिया 5-star होटल, तो 5-star होटल गलत है, 5-star होटल आप बोल सकते हैं, 5-star होटल गलत है, तो ये प्लूरल नहीं हो सकता। ये चीज़ स्टार्स आप नहीं लिख सकते हो, आपको केवल स्टार ही लिखना है, ठीक है, 5-star होटल, 4-star होटल, क्योंकि बहुत लोग आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि है तो 5, और 5 के हिसाब से ये स्टार्स होना चाहिए ना, क्योंकि ये तो प्लूरल बन रहा है ना। लेकिन ये रूल है, आपको ये ध्यान रखना है कि ये हाइफनेटेड नाउन का केस है, भले ही यहाँ पे आपको 5 दिख रहा हो, 5-star होटल ही आपको लिखना है या बोलना है, ठीक है, ये केस है, ये रूल है, और यही आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम में यही आएगा सेंटेंस एरर में। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं इसी का हम लोग, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है केस, ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, ऐसे ही अगर आपको दे देगा ही गेव मी 200 रुपीज़ नोट्स, तो यहाँ पे ये आपकी एरर है, ठीक है, क्योंकि देखिए ये संख्या लिखी हुई है, नंबर लिखा हुआ है 2, ठीक है, फिर देखिए 100 रुपीज़, यहाँ पे आपको लिखना है रुपी, ठीक है, यहाँ पे आप लोग आपको लिखना है रुपी, तो क्या आ जाएगा, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, ठीक है, ही गेव मी 200 रुपी नोट्स, ठीक है। तो बस आपको यही ध्यान में रखना है कि कभी भी हाइफनेटेड नाउन प्लूरल में नहीं हो सकता, अगर प्लूरल में दिया है तो उसमें एरर है। अगर आपको पहला वाला एग्जांपल नहीं समझ में आ रहा है ये वाला, तो दूसरा वाला एग्जांपल आपको अच्छे से आपको याद हो जाएगा, क्योंकि 5-star होटल की बात हो रही है, तो आप लोग जानते हो, आप लोग बोलते भी हो गए कन्वर्सेशन में, डेली आप लोग बोलते हो यार वो 5-star होटल है, आपको खुद सुन के ऑड लगेगा यार वो 5-star होटल में है, स्टार्स होटल, तो स्टार्स होटल आपको ऑड लग रहा है, तो आप यहीं से समझ जाओगे कि नहीं, 5 के बाद यहाँ पे स्टार्स नहीं स्टार लिखना है, इसी से आप कनेक्ट कर ले जाओगे पहले वाला एग्जांपल भी, और इसी से आप कनेक्ट कर ले जाओगे हाइफनेटेड नाउन का केस, ठीक है। तो ही स्टेज इन 5-star होटल्स, ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं रूल सेवन। देखिए रूल सेवन में मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, ये बहुत अच्छा और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग गलत कर देते हैं इसका करेक्ट यूज़ क्या होगा और इसका रॉन्ग यूज़ क्या होगा, जो बहुत लोग रॉन्ग कर देते हैं। देखिए कभी भी कज़िन ब्रदर नहीं होता है, कभी भी कज़िन ब्रदर नहीं होता है। जैसे कोई भी लड़का आपकी बुआ की लड़की हो गई, मामा का लड़का हो गया, कोई भी, तो कुछ लोग कहते हैं कज़िन सिस्टर है वो मेरी या कज़िन ब्रदर है वो मेरा, तो गलत है। आपको हमेशा यूज़ करना है कज़िन, हमेशा क्या यूज़ करना है आपको, कज़िन, ठीक है। अगर आपके सेंटेंस में आपके
एग्जाम में अगर कोई भी सेंटेंस आ जाता है कजिन ब्रदर कजिन सिस्टर यूज करके, तो वो गलत होगा। कभी भी आप कजिन के बाद ब्रदर या सिस्टर नहीं लगाएंगे, हमेशा कजिन ही यूज करना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कुछ लोग इंटरव्यू आपका लेते हैं तो कहते हैं व्हाट्स योर गुड नेम, गुड नेम कभी नहीं होता, आपको बोलना है व्हाट्स योर नेम, ठीक है। व्हाट्स योर गुड नेम एक ट्रेंड बना हुआ था पिछले कई सालों से, लेकिन अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये गलत है। व्हाट्स योर नेम इज द करेक्ट, ठीक है। तो जो इधर वाला पोर्शन है ये करेक्ट पोर्शन है आपका, ठीक है, ये करेक्ट यूज है आपका, और ये वाला रॉन्ग यूज है, ठीक है। कॉमन मिस्टेक्स हैं ये सब जो लोग गलत करते हैं। उसी तरह कहते नहीं तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो कोई भी बिग मिस्टेक नहीं होता है, बिग मिस्टेक या स्मॉल, देखिए बिग ब्लंडर कभी नहीं होता है, बड़ी गलती का मतलब ही होता है ब्लंडर, बड़ी गलती का मतलब क्या होता है ब्लंडर, और ब्लंडर को अगर हम लोग इसका मीनिंग देखें तो क्या होगा बिग मिस्टेक, क्या होगा बिग मिस्टेक, अ बिग मिस्टेक। तो कभी भी आप ब्लंडर के आगे, ब्लंडर के पहले कभी भी आप स्मॉल और बिग नहीं लिख सकते, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है बिग मिस्टेक, ब्लंडर का मतलब ही क्या होता है अ बिग मिस्टेक, ठीक है। तो ये चीज़ है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है सीजीएल में, दे दिया था अ बिग ब्लंडर अ स्मॉल ब्लंडर। तो कभी भी ब्लंडर के पहले बिग और स्मॉल नहीं लगेगा, क्योंकि ब्लंडर का मतलब ही होता है अ बिग मिस्टेक, बहुत बड़ी गलती, ब्लंडर का मतलब ही होता है। जैसे कुछ लोग कहते नहीं तुमने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी ना, तो उसके लिए आप ब्लंडर यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप ये ध्यान में रखिएगा, बहुत लोग गलती करते हैं इसको भी। नेक्स्ट आता है ये देखिए पिक पॉकेटर, पिक पॉकेटर, तो पिक पॉकेटर आप नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं पिक पॉकेट, ठीक है। फिर देखिए स्ट्रॉन्ग ब्रीज आया, स्ट्रॉन्ग ब्रीज गलत है। देखिए ब्रीज ऑफ विंड का मतलब आप समझिए पहले, ब्रीज और विंड का मतलब आपको पता होना चाहिए। देखिए कभी भी अगर ब्रीज वर्ड आता है, ब्रीज, ब्रीज का मतलब होता है हल्का, ठीक है, मतलब लाइट, ब्रीज का मतलब होता है हल्का या लाइट, मतलब जेंटल जिसे बोलते हैं, बहुत हल्की हवा चल रही है, हल्की हवा। लेकिन अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो आप उसको स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं बोलोगे, आप उसको स्ट्रॉन्ग ब्रीज नहीं बोलोगे, आप उसको बोलोगे विंड, आप उसको बोलोगे विंड, ठीक है। तो क्या करेक्ट यूज होगा स्ट्रॉन्ग विंड, क्या बोलोगे स्ट्रॉन्ग विंड, आप ब्रीज नहीं बोलोगे, ठीक है। ब्रीज केवल लाइट के लिए और जेंटल के लिए यूज किया जाता है, ठीक है, कि हवा हल्की चल रही है, हल्की हवा चल रही है, तो उसके लिए आप लोग बोलोगे ब्रीज। अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो आप बोलोगे स्ट्रॉन्ग विंड, ना कि स्ट्रॉन्ग ब्रीज। तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है। फिर देखिए जैसे कभी कभी आप लोगों को बहुत बुरा सपना आता है, बहुत बुरा सपना, तो आप कभी नहीं बोलोगे बैड ड्रीम, बहुत खराब सपना आ रहा है, आप उसको बैड ड्रीम नहीं बोलोगे, ग्रामेटिकली गलत है। अगर आप इसका ट्रांसलेशन करोगे तो भले ही आपकी मीनिंग निकल रही है, लेकिन ग्रामेटिकली एरर है इसमें। तो आप क्या बोलोगे नाइटमेयर बोलोगे, नाइटमेयर का मतलब ही होता है बुरा सपना, ठीक है, बुरा सपना, डरावना सपना आप इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो नाइटमेयर का मतलब ही क्या होता है, बहुत ही भयानक सपना, बुरा सपना, डरावना सपना, आप इसको बैड ड्रीम नहीं बोल सकते, बैड ड्रीम गलत है ग्रामेटिकली, ठीक है। तो ये गलत है और ये सही है, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसी तरह ब्रीज और विंड के बारे में आप समझिएगा, ब्रीज मतलब हल्की विंड होती है और हल्की हवा होती है, विंड मतलब स्ट्रांग, ठीक है, विंड मतलब स्ट्रांग होता है, जो आपकी आंधी वांधी चलती है, ठीक है। आप देखिए एक चीज़ मैं और बता दे रहा हूँ आपको, फ्लोर और ग्राउंड का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूँ, फ्लोर और ग्राउंड का मतलब बता दे रहा हूँ। देखिए फ्लोर का मतलब होता है फर्श, इसका मतलब क्या होता है फर्श, कहते नहीं अर्श से फर्श पर जा गिरा, ठीक है, तो फोर्स ये फ्लोर का मतलब होता है फर्श, और ग्राउंड का मतलब होता है ज़मीन, ज़मीन और फर्श में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। ग्राउंड का मतलब क्या होता है ज़मीन, ठीक है, और फ्लोर का मतलब क्या होता है फर्श, ठीक है। तो आप ये ध्यान दीजिएगा, ग्राउंड का मतलब ज़मीन होता है, फ्लोर का मतलब फर्श होता है, ये सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप इसको यूज़ करोगे, सेंटेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। कहते नहीं ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर किस में बना होता है, ज़मीन में बना होता है, ठीक है, ग्राउंड फ्लोर, इसलिए उसको ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, ज़मीन के ऊपर वो फ्लोर बना हुआ है, ज़मीन के ऊपर वो फर्श बनी हुई है, तो ज़मीन के ऊपर वो फर्श बनी हुई है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं ग्राउंड फ्लोर, ठीक है। हर चीज़ का एक यूज़ हो रहा है। अब देखिए स्किल और टैलेंट का मतलब मैं बता दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए सचिन तेंदुलकर का लड़का अर्जुन तेंदुलकर, तो सचिन तेंदुलकर का जो लड़का अर्जुन तेंदुलकर है, तो उसके पास क्रिकेट की कुछ ना कुछ खूबियाँ होंगी पहले से, क्योंकि सचिन ऑलरेडी क्रिकेटर थे, तो उनका लड़का भी कुछ ना कुछ खूबियाँ होंगी, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे टैलेंट, क्या बोलेंगे टैलेंटेड, क्योंकि टैलेंट जो होता है वो इनबॉर्न होता है, ठीक है, इनबॉर्न होता है, मतलब जन्मजात होता है। तो जन्मजात कैसे होगा, आपके जीन्स मिलेंगे आपके फादर से या मदर से, ठीक है।
तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो चीज़ सीख के बनाई जाती है उसको स्किल बोलते हैं, जो चीज़ पहले से होती है बाय बर्थ उसको बोलते हैं टैलेंट। आप लोग कितना गलत बोलते हो यार, वो कितना उसके अंदर कितना टैलेंट है, उसके अंदर कितना टैलेंट गलत है, उसके अंदर कितनी स्किल है बोलिए। जैसे आपने टाइपिंग सीखी, आपने टाइपिंग सीखी तो अगर आपके घर में किसी को, आपके फादर मदर को तो टाइपिंग आती नहीं होगी, ठीक है, ऐसा तो है नहीं, पहले तो टाइपिंग वाइपिंग का इतना ज़्यादा यूज़ होता नहीं था। तो आपने टाइपिंग सीखी ना, तो वो आपकी स्किल है, आप बहुत स्किलफुल हो। इसको आप ये नहीं कहेंगे वो कितना टैलेंटेड प्लेयर है या वो कितना टैलेंटेड है जो टाइपिंग इतनी अच्छी कर लेता, गलत है वो। टैलेंट क्या होता है, जो इनबॉर्न आपको मिलता है। जैसे डॉक्टर का लड़का डॉक्टर होता है तो अपने फादर की कुछ खूबियाँ उसके अंदर होती हैं, या सिंगर का लड़का सिंगर बनता है, ठीक है, तो अपने फादर की क्वालिटी कुछ होगी उसके अंदर, इनबॉर्न कुछ टैलेंट लेगा, ठीक है। तो अगर इनबॉर्न बाय बर्थ हो रहा है तो उसको टैलेंट बोलेंगे, और अगर उसने सीख के किया है तो उसको स्किल बोलेंगे, ठीक है। ये दोनों में ध्यान रखिएगा, ये सब कंफ्यूजन है, ठीक है, कंफ्यूज करते हैं ये सब। नेक्स्ट देखिए, एनवी और जेलेसी का मतलब मैं बता दे रहा हूँ। देखिए ये दोनों मतलब को लोग सेम ही समझते हैं। दोनों का मतलब होता है ईर्ष्या करना, किसी से जलन करना। तो देखिए जेलेसी का मतलब क्या होता है, जेलेसी का मतलब होता है मान लीजिए कोई चीज़ आपके पास है, मान लीजिए आपके पास आईफोन है, ठीक है, आपके पास आईफोन है, तो आपको डर है, आपको डर है कि आपका आईफोन खो ना जाए, आपको डर है कि कहीं आपका आईफोन खो ना जाए या कोई दूसरा ना ले, तब क्या बोलेंगे, जेलेसी, ठीक है। एनवी का मतलब क्या होता है, अगर आपके पास आईफोन नहीं है, आपके पास आईफोन नहीं है और आपके दोस्त के पास आईफोन है और आप देख के जल रहे हो, आप देख के जल रहे हो, ठीक है, ईर्ष्या आपको हो रही है, तब एनवी होगा। तो जेलेसी होता है अपनी चीज़ों को लेकर, और एनवी होता है दूसरों की चीज़ों को देखकर। बस ये डिफरेंस से ध्यान दीजिएगा, दोनों का मतलब ईर्ष्या होता है लेकिन ये अपनी चीज़ को लेकर होता है और ये दूसरे की चीज़ को लेकर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये रूल 7, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और इसी से आपकी ग्रामर अच्छी होती है, क्योंकि अगर आप लोग कभी मेंस की अगर आप लोग राइटिंग करोगे या एसी राइटिंग करोगे तो जो इंग्लिश का प्रोफेसर होगा, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा होगा, यही सब देख के वो आपको तुरंत इमेजिन कर लेगा कि यस बंदे के अंदर ग्रामेटिकल नॉलेज है, ठीक है, तो वो बाद में मतलब एक अच्छा इंप्रेशन होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, रूल 7 का, ठीक है। हम लोग देखते हैं रूल 8। देखिए रूल 8 में क्या है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग हमेशा प्लूरल में होती है, ठीक है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनकी मीनिंग हमेशा प्लूरल में होती है, लेकिन अगर हम इनके पहले कोई भी नंबर लगा दें, अगर हम इनके पहले कोई भी नंबर लगा दें तो ये डिफिनिट बन जाता है। क्या बन जाता है, डिफिनिट बन जाता है, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बन जाता है, और हम लोग बाद में इसको प्लूरलाइज नहीं कर सकते। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, देखिए ये आपको दिख रहा होगा, पेयर दिख रहा होगा, स्कोर दिख रहा होगा, ग्रॉस दिख रहा होगा, स्टोन दिख रहा होगा, 100 दिख रहा होगा, डॉजन दिख रहा होगा, 1000 दिख रहा होगा, मिलियन दिख रहा होगा, बिलियन दिख रहा होगा, ठीक है, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैंने बोला आई हैव टू पेयर्स ऑफ शूज, मेरे पास दो पेयर्स हैं शूज के, ठीक है, तो देखिए टू था यहाँ पे, तो यहाँ पे पेयर्स लग गया, ठीक है, टू था तो यहाँ पे पेयर्स लग गया। फिर आया आई हैव 200 रुपीज़ ओनली, फिर देखिए शी परचेज्ड 3 dozen पेंसिल्स, फिर देखिए ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5000 रुपीज़, ठीक है। देखिए ये यहाँ पे ये पेयर गलत है, ये देखिए ये पेयर होना चाहिए, पेयर्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज़ ये समझ में आ रही है, देखिए 200 है, 200s तो नहीं है ना, 200s तो नहीं है ना, फिर उसे देखिए 3 dozens तो नहीं है ना, फिर देखिए 5000s तो नहीं है ना, 5000 लिखा है ना, तो अगर इनके पहले कोई भी नंबर आ जाता है तो आपको यहाँ पे एस नहीं लगाना है। बस मेरे कहने का मतलब यही था कि अगर आप कोई भी नंबर लगा देते हैं इन नाउन्स के पहले तो वो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बन जाता है और इन नाउन को तब प्लूरलाइज आप नहीं कर सकते, मतलब एस नहीं लगा सकते हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बताया है ये पेयर्स नहीं होगा, पेयर होगा, ठीक है, आई हैव टू पेयर ऑफ शूज, ठीक है, फिर आई हैव 200 rupees ओनली, सी परचेज्ड 3 dozen पेंसिल्स,
ही हैज़ ऑलरेडी डोनेटेड 5,000 रुपीज़। तो यहाँ पे थाउजेंड्स नहीं हो सकता, डोजेंस नहीं हो सकता, हंड्रेड्स नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसी तरह मान लीजिए अगर हम इसको इनडिफिनिट बनाएं, अगर हम इसको इनडिफिनिट बना दें, इनडिफिनिट काउंटेबल बना दें, तो आप लोग इसको प्लूरल लिख सकते हो, प्लूरल में। जैसे कहने का मतलब क्या हुआ, डोजेंस ऑफ वुमेन, दर्जनों औरत, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, स्कोर्स ऑफ शॉप्स, मेनी पेयर्स ऑफ शूज़। देखा, पेयर्स आ गया यहाँ पे। तो देखिए, यहाँ पे डोजेंस आ गया, यहाँ पे हंड्रेड्स आ गया, यहाँ पे मिलियंस आ गया, यहाँ पे स्कोर्स आ गया, यहाँ पे पेयर्स आ गया। इस पेयर को आप सही कर लीजिएगा, यहाँ पे एस नहीं होगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्यों आया आप बताइए, यहाँ पे एस क्यों लगा, यहाँ पे एस क्यों लग रहा है? एस इसलिए लग रहा है क्योंकि हमने इसको इनडिफिनिट बना दिया है, इनडिफिनिट काउंटेबल बना दिया है। आप लोग न्यूज़ में पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे, हंड्रेड्स ऑफ पीपल, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, ठीक है। तो अगर आपको ये रूल नहीं याद हो रहा, तो आप कुछ बिल्कुल मिला के ये समझिए कि अगर ऑफ लग जाए, अगर बीच में ऑफ आ जाए, अगर बीच में क्या आ जाए, ऑफ आ जाए, तो हम लोग इसको प्लूरल कर सकते हैं, डोजेंस कह सकते हैं, हंड्रेड्स कह सकते हैं, मिलियंस कह सकते हैं, स्कोर्स कह सकते हैं, मेनी, देखिए यहाँ भी ऑफ आ गया, तो देखिए पेयर्स कह सकते हैं। तो आपको इसको, इस रूल को ऐसे याद करना है, रूल एट को, अभी क्योंकि आप पहली बार जो लोग पढ़ रहे हैं उनको तो थोड़ा दिक्कत होगी, तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर ऑफ आ जा रहा है बीच में तो यहाँ पे एस लग सकता है, अगर ऑफ नहीं आ रहा है, कोई संख्या आ रही है, तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, ठीक है। आपको यही याद रखना है कि अगर कोई नंबर आ जा रहा है तो यहाँ पे एस नहीं लगेगा, और अगर ऑफ आ जा रहा है बाद में तो यहाँ पे एस लग जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब ऑफ आ जाता है तो क्या बन जाता है, इनडिफिनिट काउंटेबल नाउन बन जाता है, और अगर यहाँ पे कोई नंबर आ जाता है तो डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए नंबर आ जा रहा है, नंबर मतलब डिफिनिट हो चुका है भाई। 200 रुपी मतलब क्या होता है, 200 की तो बात हो रही है, 5,000 रुपीज़ का मतलब क्या हो रहा है, 5,000 की बात हो रही है, तो डिफिनिट बन गया वो चीज़, ठीक है। तो आप इसको ऐसे याद करिएगा, ठीक है। जिसके पास नीतू सिंह की बुक है उसके लिए तो बेटर है, ठीक है, उसमें आप लोग के लिए इजी होगा। जिसके पास नहीं है वो लोग बाई कर लें, क्योंकि देखिए सबसे बेस्ट बुक है। इंग्लिश की बुक्स पढ़ी हैं और मैं कभी भी इंग्लिश के टीचर से सेटिस्फाइड नहीं रहा, कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहा। मैंने इंग्लिश के टीचर से बहुत पढ़ा है, एक दिन का ट्रायल लेता था, दूसरे दिन नहीं जाता था, ठीक है। लोगों को बोस्टिंग करनी बहुत आती है, तभी मैंने ये बुक पढ़ी और इस बुक ने मुझे सिलेक्शन दिलाया है। मतलब स्थिति ऐसी थी कि 100 में से मेरे 85-90 क्वेश्चन सही होते थे, सोचिए नेगेटिव होने के बाद। तो मैं आपको बहुत ईमानदारी से बता रहा हूँ कि आप नीतू सिंह की किताब एक बार पढ़िएगा, बिल्कुल आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। इंग्लिश को आप हथियार बना लीजिए अपना। अब देखिए रूल लाइन हम लोग देख लेते हैं, रूल लाइन में क्या है। अगर किसी भी नाउन के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग हो, अगर किसी भी नाउन के बाद प्रपोजिशन का यूज हो, और अगर नाउन का रिपीटिशन हो, तो नाउन को हमेशा आपको सिंगुलर फॉर्म में करना है। क्या कहने का मतलब, यदि किसी भी नाउन के बाद प्रपोजिशन का यूज हो रहा है और नाउन रिपीट हो रहा है, तो आपको नाउन को किस में लिखना है, सिंगुलर फॉर्म में लिखना है। कहने का मतलब टाउन आफ्टर टाउन आप बोलेंगे, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं बोल सकते आप, टाउन्स आफ्टर टाउन्स गलत है, ठीक है। क्यों? देखिए आफ्टर क्या है, आफ्टर प्रपोजिशन है, और देखिए ये नाउन रिपीट भी हो रहा है, टाउन टाउन दोनों रिपीट हो रहा है, और देखिए यहाँ प्रपोजिशन है, तो इसको आप सिंगुलर में ही लिख सकते, प्लूरल नहीं कर सकते, तो टाउन आफ्टर टाउन ही आप बोलोगे, टाउन्स आफ्टर टाउन्स नहीं बोल सकते। नेक्स्ट देखिए रो अपॉन रो, ठीक है। देखिए अपॉन क्या है, अपॉन प्रपोजिशन है, रो क्या है, नाउन है, रो क्या है, नाउन, तो नाउन रिपीट भी हो रहा है, प्रपोजिशन बीच में आ रहा है, तो रोज अपॉन रोज नहीं बोल सकते हो, रो अपॉन रो बोल सकते हो, ठीक है। फिर देखिए शिप आफ्टर शिप, आप शिप आफ्टर शिप बोलोगे, ठीक है, शिप आफ्टर शिप इज अराइविंग। देखिए आफ्टर क्या है, आफ्टर प्रपोजिशन है, शिप क्या है, नाउन है, ठीक है, तो शिप्स आफ्टर शिप्स नहीं बोल सकते, वो गलत है। अगर सेंटेंस में आ जाता है तो आपको मिस्टेक एरर लगानी है, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं, ये देखिए टाउन्स आफ्टर टाउन्स, देखिए टाउन्स आफ्टर टाउन्स, रोज अपॉन रोज, डोर्स टू डोर्स, शिप्स आफ्टर शिप्स, ये मिस्टेक है, ये गलत है। टाउन आफ्टर टाउन आपको करना है, रो अपॉन रो करना है, डोर टू डोर करना है, डोर्स टू डोर्स गलत है, ठीक है। तो आपको कुल मिलाकर यही समझना है कि अगर नाउन की रिपीटिशन हो रही है, अगर नाउन की रिपीटिशन हो रही है, बीच में प्रपोजिशन आ रहा है, तो
कभी भी वो नाउन प्लूरल नहीं होगा, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। और ये वाला रूल भी आप एट वाला देखिएगा ध्यान से, ठीक है, कि अगर कोई नंबर आ जा रहा है और डिफिनिट बना रहा है, डिफिनिट बन जा रहा है, डिफिनिट न्यूमरल एडजेक्टिव बन जा रहा है, तो कभी भी ये प्लूरल नहीं होगा, एस नहीं लगेगा, और अगर ऑफ लग जा रहा है तो ये प्लूरल हो जाएगा, ठीक है, आपको ऐसे याद हो जाएगा, ठीक है। हम लोग रूल 10 देख ले रहे हैं, ये रूल 10 है कॉमन जेंडर का, जो कॉमन जेंडर नाउंस होते हैं। देखिए कॉमन जेंडर के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, टीचर हो गया, स्टूडेंट हो गया, चाइल्ड हो गया, क्लर्क हो गया, एडवोकेट हो गया, वर्कर हो गया, राइटर हो गया, लीडर हो गया, म्यूजिशियन हो गया। टीचर कोई भी हो सकता है, मेल फीमेल दोनों हो सकती है, स्टूडेंट मेल फीमेल दोनों हो सकते हैं, चाइल्ड कोई भी हो सकता है, एडवोकेट दोनों हो सकते हैं, वर्कर भी दोनों, राइटर, ठीक है, ये सब एग्जाम्पल में दोनों मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं, ठीक है, तो इसलिए हम लोग इनको और क्या बोलते हैं, डुअल जेंडर भी बोलते हैं। लेकिन आपको इसमें एक बात ये याद रखनी है कि इसका प्रयोग हम लोग हमेशा एज अ सिंगुलर के तौर पर करेंगे, हमेशा सिंगुलर मानेंगे इसको, इन नाउन को हमेशा हम लोग क्या मानेंगे, सिंगुलर मानेंगे, आपको प्लूरल नहीं मानना है। और इसमें आपको एक चीज़ और याद रखना है, जनरली जनरली हम लोग इसमें मैस्कुलिन जेंडर का उपयोग करते हैं, मैस्कुलिन जेंडर मतलब हमेशा ही, हिस या हिम लगाते हैं, जनरली जनरली ग्रामर के तौर पर। एग्जाम्पल मैं दे दे रहा हूँ, जैसे मान लीजिए हिंदी में कोई आपने सेंटेंस बोला कि हर लीडर को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, हर लीडर को अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, तो क्या आप इसको इंग्लिश में बोलोगे, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिस ड्यूटी। तो इसमें लड़कियाँ लोग क्वेश्चन नहीं पूछ सकती हैं कि यहाँ पर हिस क्यों लगाया आपने, क्योंकि लीडर लीडर लड़की भी हो सकती है, तो यहाँ पर लड़की अगर मान लीजिए आप तो देखिए इससे विवाद हो जाएगा, लड़की पूछेगी यहाँ हर भी तो हो सकता है, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हर ड्यूटी, क्योंकि लड़की क्या हो सकती है, लड़की मतलब लीडर लड़की भी हो सकती है। तो इसीलिए आप लोग देखते होंगे जो भी फॉर्म आते हैं, एडवर्टीजमेंट जो भी आता है एडवर्टीजमेंट, आप लोग देखते होंगे हिस ऑब्लिक हर लिखा रहता है, ठीक है, हिस ऑब्लिक हर लिखा रहता है या ही ऑब्लिक शी लिखा रहता है, आप लोग देखेगा जो डिटेल एडवर्टीजमेंट होता है क्यों लिखा होता है ऑब्लिक करके, लड़की लोग अपना शी देखें, हर देखें, और लड़के लोग अपना ही और हिस देखें, ठीक है, ताकि कोई विवाद ना रहे। तो आप लोग को ये ध्यान में रखना है। और कभी अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर आ गया, डिस्क्रिप्टिव पेपर, तो डिस्क्रिप्टिव पेपर में क्या होता है, मेल लोग क्या लिखें, मेल लोग लिखें एवरी लीडर शुड परफॉर्म हिज ड्यूटी, और अगर फीमेल लोग ऐसे लिख रही हैं या डिस्क्रिप्टिव में लिख रही हैं तो क्या लिखें, एवरी लीडर शुड परफॉर्म हर ड्यूटी, ठीक है। तो इससे एग्जामिनर खुद समझ जाता है, चूंकि इसने हर का यूज़ किया तो मतलब लड़की, ये कॉपी किसी लड़की की है, और अगर इसने हिज का यूज़ किया है तो कॉमन सेंस है कि ये मेल की है। लेकिन अगर ग्रामर की बात आती है, ग्रामर की बात अगर आपके सेंटेंस में आता है एरर डिटेक्ट करने के लिए, तो आपको हमेशा मैस्कुलिन जेंडर का उपयोग करना है, मतलब ही, हिस और हिम का यूज़ करना है, ठीक है। और अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात आ रही तो आप अपने हिसाब से लड़कियां लोग अपना हर, शी यूज़ करें, और लड़के लोग अपना यूज़ करते हैं ही, हिस और हिम, ठीक है, आपको बस ये दिमाग लगाना है। और आपको एक एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हमेशा इसको हम लोग सिंगुलर के तौर पर यूज़ करेंगे, ठीक है, सिंगुलर के तौर पर यूज़ करेंगे। आपको पता है कॉमन जेंडर नाउन्स क्या होते हैं, ठीक है, कॉमन जेंडर वही होते हैं जो बोथ मेल और फीमेल हो सकते हैं, डुअल जेंडर इसी को बोला जाता है, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक। हम लोग देखते हैं वर्ड्स डिनोटिंग ग्रुप्स, जो ग्रुप्स में आ जाते हैं, ग्रुप्स में। ये रूल 10 आपको समझ में आया कि नहीं आया, रूल 10 ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन उठ सकता है कि हम यहाँ पे हिस ही क्यों लगाएं, यहाँ पे हर भी तो हो सकता है, यहाँ पे हिस क्यों लगाएं, हर भी तो हो सकता है। तो इसलिए आप लोग एडवर्टीजमेंट देखते होंगे कि हिस ऑब्लिक हर, ही ऑब्लिक शी लिखा होता है, ठीक है, इसलिए लिखा होता है कि गर्ल्स लोग और बॉयज़ लोग दोनों को समानता देनी चाहिए, ठीक है। और ग्रामर में अगर आपकी बात आ जाए, ग्रामर में, तो ग्रामर में आप, वैसे ग्रामर में देगा नहीं, ठीक है, अगर ग्रामर में ऐसा आ जाता है तो आपको मैस्कुलिन जेंडर के ही प्रेफरेंस देना है। और अगर आप डिस्क्रिप्टिव पेपर लिख रहे हो, एसे लिख रहे हो, लेटर लिख रहे हो, तब आपको फीमेल वाले अपना फेमिनिन जेंडर यूज़ करें, शी यूज़ करें, हर यूज़ करें, और बॉयज़ लोग अपना ही, हिम, हिस यूज़ करें, ठीक है, बस इतना सा है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो हम लोग डिनोटिंग ग्रुप्स देख लेते हैं। देखिए म्यूजिशियंस के अगर ग्रुप की हम लोग बात करें तो हमेशा बैंड यूज़ होता है, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, याद रखिएगा, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, ठीक है। अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड यूज़ होता है डायरेक्टर के लिए। अ बेबी ऑफ गर्ल्स होता है, अगर मान लीजिए वुमेन आता है तो अ बेबी ऑफ वुमेन्स, अ
बेवी ऑफ ऑफिसर्स, याद रखिएगा इसको आपको प्रैक्टिस करनी है। कॉमन कॉमन की तो याद ही कर लीजिए। फिर देखिए आया ग्रेप्स, अ बंच ऑफ ग्रेप्स, अ बंच ऑफ कीज, ठीक है, बंच ऑफ कीज आता है कभी कभी। अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ बंडल ऑफ स्टिक्स। अ कैरावैन ऑफ मर्चेंट्स, मर्चेंट की बात आ जाएगी तो याद रखिएगा, मर्चेंट पिलग्रिम की अगर बात आती है, मर्चेंट पिलग्रिम ट्रेवलर्स, तो कैरावैन आपको यूज़ करना है, कैरावैन, ठीक है, याद रखना है आपको अच्छे से। फिर देखिए अ चेन ऑफ माउंटेन्स, अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, आप चेन भी यूज़ कर सकते हो, रेंज भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर हिल्स आ जाता है तो हिल्स में भी आपके चेन और रेंज भी यूज़ हो सकता है, ठीक है, सेवन वाला इंपॉर्टेंट है। अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, ये भी इंपॉर्टेंट है, सिंगर्स के लिए हमेशा क्वायर यूज़ होता है, अ क्वायर ऑफ सिंगर्स, ठीक है। अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, भाई स्टूडेंट्स से ही तो क्लास बनती है मिलकर, कॉमन सेंस है, ठीक है। फिर देखिए मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दे रहा हूँ, अ कोड ऑफ लॉज, कोड ऑफ लॉज, लॉज का क्या होता है, लॉज का कोड ही होता है, ठीक है। फिर देखिए अ कंपनी, अ रेजिमेंट, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है, कंपनी भी यूज़ कर सकते हैं, कंपनी ऑफ सोल्जर्स, आर्मी ऑफ सोल्जर्स, रेजिमेंट ऑफ सोल्जर्स, ठीक है, बटालियन भी आप यूज़ कर सकते हैं, बटालियन, ठीक है, कभी कभी बटालियन भी आ जाता है। फिर देखिए अ कन्वॉय ऑफ शिप्स, ठीक है, कन्वॉय ऑफ शिप्स, कार्स, ठीक है। फिर देखिए अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स, अ कोर्स ऑफ लेक्चर, भाई आपका कोर्स, जैसे मैं आपको जो मैं ये लेक्चर दे रहा हूँ ये आपका कोर्स ही तो कवर हो रहा है, ठीक है। और देखिए मेरी सीरीज भी बनी हुई है, पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, नाउन के बाद प्रोनाउन, प्रोनाउन, ऐसे में सीरीज चल रही कि नहीं चल रही, तो कोर्स और सीरीज आपको ऐसे याद होगा। फिर देखिए अ मॉब ऑफ पीपल, मान लीजिए पब्लिक बहुत गुस्साई हुई है, हंगामा कर रही है, तो मॉब ऑफ पीपल बोलेंगे, ठीक है, मॉब ऑफ पीपल बोलेंगे। फिर देखिए अ ट्रूप ऑफ हॉर्सेस बोलेंगे, हॉर्सेस का ट्रूप होता है। फिर देखिए अ कांग्रेशन ऑफ पीपल, जैसे मान लीजिए राम मंदिर के बारे में बहुत सारी आपको पता है डिस्कशन चल रहा था, लोग मिले हुए थे, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, कांग्रेशन ऑफ पीपल, जब भी कोई रिलीजियस इश्यू के बारे में डिस्कशन होता है तो उसको उसके लिए कांग्रेशन लगाते हैं, ठीक है, कांग्रेगेशन, ठीक है, कांग्रेगेशन लगाते हैं। फिर देखिए अगर इवेंट्स कोई चल रहा है, बहुत सारे इवेंट्स चल रहे हैं, तो सीरीज ऑफ इवेंट्स। फिर अ पैक ऑफ कार्ड्स, अ पैक ऑफ कार्ड्स, कार्ड्स का पैक। अ पेयर ऑफ शूज, पेयर ऑफ शूज, सीजर्स, ठीक है, कंपसेस। तो देखिए यहाँ पे पेयर लगा कि नहीं लगा, पेयर। फिर देखिए अ फ्लॉक ऑफ गीज, गीज के साथ फ्लॉक लगता है। अ करिकुलम ऑफ स्टडीज, स्टडीज का क्या होता है, करिकुलम होता है, ठीक है, ये सब आपको ध्यान में रखना, ये सब इंपॉर्टेंट मैंने आपको बताए हैं। अ फ्लाइट ऑफ स्टेप्स या स्टेयर्स, सीढ़ी से आप लोग चढ़ते हो ना, तो फ्लाइट, ठीक है। अ गैंग ऑफ रॉबर्स, लेबरर्स, गैंग की बात हुई, ठीक है। अ गार्लैंड ऑफ या अ बुके ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर का बुके होता है गार्लैंड, ठीक है, तो आपको इसको ऐसे याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, दो तीन बार आप रिवीजन करोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग नाउन्स देख लेते हैं, ये जेंडर देख लेते हैं, जेंडर देखिए, जेंडर आपको पता है कौन कौन से जेंडर होते हैं, मेल, फीमेल, मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर, कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। न्यूट्रल जेंडर मतलब जिसमें आपका, जिसको बोलते हैं न्यूट्रल में क्या हो गया, कोई भी जेंडर ना हो, ठीक है। कॉमन आपको पता है, कॉमन, कॉमन जेंडर भी आपको पता है, मैस्कुलिन मतलब आपको पता है, मेल, फीमेल मतलब आपको ये पता है। तो देखिए मैस्कुलिन का एग्जांपल आप देख लीजिए, टाइगर, टाइगर हो गया, पावर हो गया, वायलेंस हो गया, फादर हो गया, ठीक है, आप लोग को हिंदी से अच्छे से पता होगा, आप लोग इसको हमेशा सेंटेंस लगा लिया करो, सेंटेंस आपको पता चल जाएगा ना, आपने पुल्लिंग स्ट्रिंग पढ़ा होगा हिंदी में, तो आप लोग इसको अच्छे से समझ जाओगे, ये ज़्यादा इशू नहीं है। न्यूट्रल जेंडर में आपको ये समझना है, ज़्यादातर चीज़ें इसमें नॉन लिविंग थिंग होती है, नॉन लिविंग थिंग, जैसे मान लीजिए मैंने बात कर दिया नॉन लिविंग थिंग, ठीक है, जनरली इसमें आता है। अब देखिए जैसे आगे इसमें समय, जैसे मान लीजिए मैंने बोल दिया समय, समय बहुत बलवान है ना, समय बहुत बलवान है, ठीक है, समय बहुत बलवान है, तो बताइए समय क्या होता है, समय कौन सा जेंडर है। आप लोग समय को हिंदी में जो भी जेंडर बोलते हो वही आपको कन्वर्ट करना है इंग्लिश में, तो टाइम कौन सा जेंडर है आप लोग बता सकते हो। जैसे आ गया सूर्य, ठीक है, सूर्य कौन सा है, मैस्कुलिन जेंडर हो गया। पीस, शांति, शांति किसका नाम होता है, लड़की का नाम होता है, तो फेमिनिन जेंडर हो गया। मदर आपको पता है, फेमिनिन जेंडर हो गया। चाइल्ड, चाइल्ड दोनों हो सकते हैं, बेबी, टीचर, सर्वेंट सब हो सकते हैं। अर्थ, पृथ्वी, पृथ्वी आपको फेमिनिन जेंडर में यूज़ करना है, तो ये कॉमन सी चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना। कॉपी, कॉपी, बुक, पेपर, ये सब आपको न्यूट्रल जेंडर में यूज़ करना है, नॉन लिविंग थिंग होती है, ठीक है। तो इतना सा हो गया है, तो इतना सा हमारा आज, आज वाली क्लास में इतना हमारा हो गया है, और
जो हमारा थर्ड पार्ट होगा उसमें मैं कवर कर दूंगा पूरा आपका नाउन। इसमें मैं आपको रूल्स बताऊंगा कि मैस्कुलिन को हम लोग फेमिनिन में कैसे चेंज करते हैं, और इसके बाद मैं आपको बताऊंगा जो ये हमारे होते हैं सिंगुलर और प्लूरल, सिंगुलर को प्लूरल हम लोग कैसे चेंज करेंगे, इसके कुछ रूल्स हम लोग देखेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ऑलरेडी वीडियो हो चुका है, ठीक है, और आपको समझ में भी आना चाहिए, बाकी हमारा कोर्स तो हो जाएगा, ठीक है, आप लोग उसकी टेंशन मत करिए। पीडीएफ की लिंक आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, प्रिवेलेंट एजुकेशन के नाम से है, जो भी चीज़ मैं आपको पढ़ाऊँगा आपको मिल जाएगी उसमें पीडीएफ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आप चाहते हैं आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस मिले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में इतना ही, जय हिंद।